नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्प बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक कैटल के बारे में। इलेक्ट्रिक कैटल कैसे वर्क करता है और इसका अंदर में क्या सिस्टम है, वो भी सब डिटेल्स आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो बोर्ड है, बोर्ड के बारे में भी आपको बताएंगे। तो इससे पहले, अगर आपके हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले जो कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन स्टार्ट होता है वो है ये बोर्ड से। तो ये बोर्ड में एक पिन लगा रहा होता है, 2 पिन पिन। तो ये वायर के थ्रू इस बोर्ड में आता है, और इस बोर्ड में आपको ये, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। जो कॉपर का होता है ये एक्चुअली ये पिन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये करंट वायर से फ्लो होकर, जो आपका बोर्ड से फ्लो होकर यहाँ तक आता है। उसके बाद आप जब इसको इस बोर्ड के ऊपर प्लेस करते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है, देखिए आपको, आप यहाँ पर 2 कनेक्टर है, ये 1 और 1। एक एक पॉजिटिव होता है, मतलब एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है, जो यहाँ पर जो आपको पिन दिख रहा है इससे टच होता है। तो इससे टच होकर करंट यहाँ तक पहुँचता है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो मैं इसको स्क्रू को ओपन करता हूँ तो आपको डिटेल्स में दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर जो स्क्रू है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो मिडिल में आपको दिख रहा है ये एक्चुअली कुछ भी पिन नहीं है। ये आप कह सकते हैं ये सेंटर के लिए, मतलब आप सेंटर में इसके साथ बोर्ड के साथ सेट कर सकते हैं, इसीलिए दिया होता है। ये फॉल्स होता है, तो ये इस कुछ कनेक्ट नहीं होता है। ये दोनों जो रिंग है ये एक न्यूट्रल और एक फेज होता है। उसके बाद ये जो ओपन करेंगे तो देखिए आप, यहाँ पर जो बात है यार, ये एक बाहर का है और ये अंदर का कनेक्ट होके यहाँ तक पहुँचता है, एक न्यूट्रल की तरफ और एक ये फेज की तरफ। तो और इसमें जो कनेक्ट होता है ये देखिए, ये न्यूट्रल डायरेक्ट आपका जो यहाँ पर कॉयल रहता है जो हीट होता है, ये राउंड कलर का आपको राउंड शेप का दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो राउंड शेप का ये कॉयल, एक्चुअली ये कॉयल हीट होता है। और यहाँ पर डायरेक्ट न्यूट्रल जो डायरेक्ट कनेक्ट कॉयल के साथ कनेक्ट होता है, और जो फेज है वो फेज यहाँ से ब्लू कलर का जो वायर है यहाँ से देख के यहाँ पर स्विच तक आता है। यहाँ पर जो ऊपर में सबको स्विच दिख रहा है, स्विच तक आता है, और स्विच होकर फिर से ये जो आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ये ब्लैक होके फिर से यहाँ पर आता है। मतलब आप ये स्विच से इसीलिए कंट्रोल कर पाता है कि ये ऑन ऑफ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये फेज हेड फेज डायरेक्ट नहीं पहुँचता, ये स्विच के होकर यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ पर जो इंडिकेटर दिया हुआ है ये भी स्विच से ऑन ऑफ होता है, क्योंकि ये भी स्विच के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पर जो आपको कॉयल दिख रहा है ये हीट होता है, और ये हीट होके जो आपका अंदर में जो ये प्लेट के जो स्टील का प्लेट है इसके ऊपर कॉयल लगा हुआ है, और ये हीट होके आपका जो अंदर में अगर जब पानी डालते हैं यहाँ पर तो ये अंदर के पोर्शन को हीट करता है और आपका वाटर हीट होता है और बॉयल होने लगता है। ऐसे काम करता है ये। अगर आपका ये ख़राब हो जाए कभी भी तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, प्लेट मार्केट में मिल भी जाता है। अगर अब बहुत टाइम क्या होता है, कॉयल बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण ये ख़राब हो जाता है, तब ये मार्केट में ये खरीद के आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बहुत इजी है। यहाँ पे जो पिन लगा हुआ है ये शोल्डर नहीं होता है, ये एक्चुअली लॉक सिस्टम होता है। आप इसको ज़्यादा मतलब पकड़ के खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी सिस्टम है, और ये मार्केट का जो प्राइस है, कीमत ये आपको 400-500 में मार्केट में आसानी से अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है। और इससे आप पानी गर्म कर सकते हैं, और दूसरा जो बॉयल का चीज़ जैसे अंडा भी इसमें बॉयल हो सकता है, कुछ भी मतलब जो पानी से काम होता है गर्म पानी से वो यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा।